वैशाली जी बताइए, पावर प्ले सेगमेंट में आखिरी घंटे की रणनीति के तहत ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहां देख रही हैं? ध्यान दे रही हूँ 1570 के स्टॉप लॉस, 1630 1640 के टारगेट के लिए। चलिए जी, एक बार और जरा अपना स्टॉक बता दें। HCL टेक्नोलॉजी 1570 के स्टॉप लॉस के साथ 1630 का फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है, तो HCL टेक का 1600 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए यहां पर आपको खरीदारी करने की सलाह वैशाली जी की तरफ से मिलती हुई। समय थोड़ा बाकी है तो कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। वैशाली जी, जरा रेलवे शेयरों पर भी गौर फरमाइए, क्योंकि चाहे पावर हो, एनर्जी सेक्टर हो, रेलवे हो, बैंकिंग में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर करेक्शन एक मौके के तौर पर देखा जाता है। रेलवे शेयरों में आज की जो मुनाफा वसूली है, किसी स्टॉक में कोई मौका बन रहा है एंट्री करने का? सो एक्चुअली दे आर जस्ट टेकिंग अ ब्रीदर, जैसे कि आपने कहा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, बट आई थिंक जुपिटर वैगन एक अच्छे से करेक्शन में आया है। 600 के सपोर्ट के साथ मुझे एक जुपिटर वैगन सही लग रहा है। उसी अनुसार आप IRFC भी देखेंगे तो काफी चल चुका है और हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। सो आई थिंक 200 के सपोर्ट के साथ 198-200 के सपोर्ट के आसपास ये कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी रेलवे शेयरों पर। इस बीच पॉलीकैप के भी नतीजे आ चुके हैं, स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है पिछले कुछ मिनटों में। देखें तो रेवेन्यूज़ की बात करें तो 20% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। एबिटडा मार्जिन्स 12.4% पे आया है वर्सेस 14.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो करीब 170 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिपोर्ट किया है। अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें तो पिछले कुछ मिनटों में गिरावट भी दिखी है नतीजों के चलते। वैशाली, चार्ट्स पर क्या राय बनेगी इस स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? पॉलीकैप की, तो पॉलीकैप भी आप अगर लाइक वेल चार्टिकली आई थिंक एक अच्छा सा ट्रेंड है। फिलहाल थोड़ा रिट्रेस जरूर हुआ है, बट आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि ये स्टॉक को 6300 का सपोर्ट है और क्लैरिटी एंड कंफर्मेशन फॉर एन अपवर्ड मूव एक 6800 के ऊपर ही आ सकता है। सो आई थिंक ये रेंज को आप 6300 to 6800 की रेंज को लेके चलिए। फिलहाल ओनली अबाउट 6800 लेवल्स एक फर्दर स्ट्रेंथ दिख सकती है, दैट 7200 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीकैप इंडिया पर ये है राय वैशाली जी की तरफ से मिलती हुई। बीच आधार हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डालते हैं। स्टॉक में अच्छी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नोमुरा की एक रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार इनिशिएट किया है, कवरेज खरीदारी की राय दी है और ₹550 प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का जो पूरा मार्केट है वो करीब डबल हो सकता है अगले 5 सालों में और आधार हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसका। वैल्यूएशंस की बात करें तो उनका मानना है कि पीयर्स से वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा है, जिसके चलते उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है और स्टॉक में भी करीब 1.5 से 3% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। वैशाली, आधार हाउसिंग फाइनेंस वैसे तो रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, लेकिन चार्ट्स पर आपका क्या नज़रिया बनता है? आई थिंक ये चार्ट काफी समय से, जब से इनफैक्ट लिस्टिंग है, एक ग्रेजुअल अपवर्ड मूव है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये 500-520 की तरफ जाए, बिकॉज ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, इंडिकेटर्स भी राइजिंग मोमेंटम में है, तो आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक अपवर्ड व्यू बना सकते हैं। तो ये राय है आधार हाउसिंग फाइनेंस पर, करंट लेवल से देखें तो भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। इसके अलावा FMCG सेक्टर पर भी नज़र डाल देते हैं। स्ट्रीट का मानना है कि बजट पॉपुलिस्ट मेजर रहेगा और जिसके चलते कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। निफ्टी FMCG इंडेक्स सेकंड बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो HUL करीब 2% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी 1 से 1.5% की तेज़ी है। वैशाली, निफ्टी FMCG इंडेक्स पर बजट के पहले आपकी क्या राय बनती है? अगर किसी का एक हफ्ते का नज़रिया है तो निफ्टी FMCG इंडेक्स पर क्या राय बनेगी और HUL, मैरिको और TCPL इन तीनों शेयरों पर भी अपनी राय दीजिए।
तो एचयूएल की शुरुआत करें तो ऑफ कोर्स इंडिकेशन तो आ ही चुका था, एक बाइंग इंडिकेटर काफी समय से आ चुका है और फिलहाल जैसे चला है आई थिंक और भी आगे जाके हमें लग रहा है दैट ये एक स्टॉक और भी आगे बढ़ सकता है. इट्स ऑलरेडी इन एन ओवरबॉट, तो 1 वीक के नजरिए के लिए अगर आप मानेंगे तो 2680 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बिकॉज जिस तरह मार्केट अभी चल रही है और ये मोमेंटम चालू रहा तो ये 2950 की तरफ एचयूएल जा सकता है. सो फिलहाल एक ट्रेंड में है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, बट 2680 का एक स्टॉप लॉस के साथ को ध्यान में रख के एक बाइंग कर सकते हैं. और दूसरा आपने मुझे पूछा मैरिको, राइट? मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट हमने काफी समय से हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है एंड आई थिंक ये भी स्टॉक अच्छे से चल चुका है, हालांकि और भी अपसाइड पोटेंशियल है. हमारा टारगेट इसमें 1250 का है. सो टाटा कंज्यूमर ऑल्सो इज अ पॉजिटिव स्टॉक. मैरिको भी सिमिलर पैटर्न है, एक्चुअली ऑल FMCGs में एक सिमिलर पैटर्न बन चुकी है. मैरिको भी अच्छे से चल चुका है बट अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है 1650 to 1680 की टारगेट के लिए. बीच हैवल्स के नतीजे आ चुके हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 5,800 करोड़ पे रेवेन्यूज़ आए हैं इस क्वार्टर में। हमारे अनुमान थे 5,700 करोड़ के आसपास, तो रेवेन्यू का फिगर तो अनुमान से बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी है। 10.5% पे एक्सपेक्टेड थे मार्जिन्स, लेकिन कंपनी ने 9.9% पे मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। तो टॉप लाइन का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन मार्जिन्स अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। याद रखें, लॉयड्स जो उनका सेगमेंट है, वहाँ से अच्छे एक्सपेक्टेशंस थे इस क्वार्टर में, जिसके चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो नतीजे फिर भी अच्छे हैं। करीब 20% का ग्रोथ रेवेन्यूज़ में दिखा है और प्रॉफिट की बात करें तो करीब 40% से बढ़ता हुआ नज़र आया, लेकिन अनुमान से थोड़े से कमजोर मार्जिन्स दिखे। स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट दिख रही है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखे तो हैवल्स पर क्या राय बनती है? अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं तो क्लियर कट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि चार्ट में एक डेली चार्ट्स पे एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल, उसको बोल सकते हैं, ऐसा फॉर्मेशन बना है तो दोनों तरफ के मूवमेंट्स दे रहा है। अगर एक लेवल 1950 में अगर हायर साइड पे पकड़ता हूँ, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम लूज हो जाता है। वेरेज अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1820 1800 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहां से एक बाउंस बैक स्टॉक हो जाता है। तो जब तक मुझे लगता है कि ये रेंज के अंदर स्टॉक रहता रहे ट्रेड होता रहेगा, दोनों तरफ के मूवमेंट्स आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा दिख रहे हैं। डायरेक्शनल मूव होने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि 1950 के ऊपर का क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ डायरेक्शनल ट्रेंडिंग अपसाइड हम देखने को मिल सकते हैं। तब तक फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये जो टेक्सचर बना हुआ है स्टॉक का नॉन डायरेक्शनल का, वही कंटिन्यू रहने के चांसेस नियर फ्यूचर में तो दिख के आ रहे हैं। तो ये है नज़रिया हैवेल्स इंडिया पर। नतीजों का इम्पैक्ट खास तौर पे हम इस वक्त देख पा रहे हैं स्टॉक पे। चलिए, आज आईटी के अलावा जिस और एक सेक्टर में खरीदारी अच्छी नज़र आ रही है वो है एफएमसीजी। आप देखिए, इमामी इस वक्त 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ। इसके अलावा एचयूएल देखिए, लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी नज़र आ रही है। डाबर इंडिया, टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा तमाम बाकी जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनमें भी इस वक्त बेहतर संकेत था। अमोल, मैं आपके पास ही आऊँगा, ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है एफएमसीजी सेक्टर पे। ये अगर हम ओवरऑल सेक्टर का बात करते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम में जो सरप्राइज मूव आया था, उसके बाद से ये पूरे सेक्टर्स में काफी इंटरेस्ट बढ़ा है। और ओवरऑल अगर हम वीकली फॉर्मेशन देखें या मंथली देखें तो सेक्टोरियल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग हुए हैं और अभी वो दिख के भी आ रहे हैं कि स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में आते हैं तो या स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं तो इमामी का अगर हम देखेंगे तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 760 का एक सपोर्ट है। यही दिखा रहा है कि जब तक 760 के ऊपर रहेगा ये ट्रेंड जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग वो कंटिन्यू रह सकता है। आने वाले दिनों में ये 825 830 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। एचयूएल के बारे में अगर हम देखते हैं तो एचयूएल में अभी ये 2750 एक इमीडिएट जोन रहेगा, जो जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट लार्जर टेक्सचर और अभी भी स्ट्रांग साइड पे ही है। मुझे लगता है 2600 2650
ये ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। दूसरा आपने एक डाबर के बारे में पूछा था, डाबर का अगर मैं देखता हूँ तो काफी सिमिलर फॉर्मेशन है जैसे इमामी का था। मुझे लगता है 630 जहाँ पे 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास या उधर ही आ रहा है, वही अगर मेंटेन करता है तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा और डाबर में भी आने वाले दिन में 670 680 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।